सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन माई यूट्यूब चैनल वाइट टिप्स एफ एफ। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बड़े होंगे और गाइज आगे भी आप सभी बड़े रहना। तो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो के थंबनेल को देख के आए हैं तो गाइज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। आज की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ परफेक्ट फाइव बटन साइज। जी हाँ गाइज, इसको जानने के बाद में आपके ओपी वाले वन टेप हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे एंड साथ ही साथ में आप एक प्रो प्लेयर की तरह पे हेडशॉट जरूर से लगा पाओगे। अच्छा एंड गाइस, साथ ही साथ इस वीडियो में आपको अपडेट के बाद में बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चले गाइस, अभी बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं अपनी बेस्ट फायर बटन साइज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, जो ये आपके फायर बटन का साइज होता है, आपको क्या करना है, ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा रखना है। क्योंकि गाइस आप बहुत ज़्यादा बड़ा रखते तो आप अच्छे से रोटेशन ट्रैक नहीं कर पाते, जिससे आपके वन टैप हेडशॉट नहीं लग पाते। एंड गाइस, आपको साथ ही साथ इसको एक बेस्ट पोजिशन में रखना पड़ता है जिससे कि आपको रोटेशन ट्रैक मारने के लिए स्पेस मिल पाए। इसीलिए गाइस आपको जो अपने फायर बटन का साइज है अपने थंब के हिसाब से कर लेना। एंड गाइस, साथ ही साथ में जो आपके ये फायर बटन है इसको आपको थोड़ा सा नीचे खिसका करके यहाँ पे सेट कर देना है, जिससे कि गाइस आपको रोटेशन के लिए थोड़ा स्पेस मिले और आप इजीली वन टैप हेडशॉट लगा पाएं। तो जरूर से यही फायर बटन साइज रखना है आपको, अपने थंब के सबसे फायर बटन का साइज करना है और जिधर मैं बता रहा हूँ इधर आपको ले जाके इसको सेट कर देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चले गाइस, अभी बात कर लेते हैं अपडेट के बाद अपनी बेस्ट सेंसिटिविटी के बारे में। क्योंकि गाइस, अगर आप फायर बटन का साइज सही कर लेते हैं और अपनी सेंसिटिविटी को अच्छे से नहीं रखते तो बस तो भी आपके बिल्कुल भी वन टैप हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। जरूर से आप इस सेंसिटिविटी सेटिंग को देख लेना जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नहीं तो सेंसिटिविटी सेटिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आपको जनरल सेंसिटिविटी होता है, सबसे पहले आपको इसको बिल्कुल 100 कर देना है। क्योंकि गाइस ये वन टैप हेडशॉट लगाने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड साथ ही साथ में आपका ये जो रेड डॉट होता है गाइस, इसको आपको अप्रोक्सीमेटली 80 कर देना है। एंड गाइस, इतना करने के बाद में आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आपको अपना थोड़ा सा डीपीआई इंक्रीज कर लेना है, अप्रोक्सीमेटली 40 से लेके 50 डीपीआई यूज़ कर लेना। एंड गाइस, आपका न्यू फ़ोन है तो आप बिल्कुल भी डीपीआई यूज़ मत करना, मैं यही सजेस्ट करूँगा। समझ रहे हो ना। तो गाइस, अभी मैंने आपको वीडियो में जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग एंड साथ साथ में फायर बटन का साइज और पोजीशन बताई है, अगर आप इसको कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके वन टैप हेडशॉट लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि गाइस, जब भी आप वन टैप हेडशॉट लगाने जाएं तो आपको ऑलवेज रोटेशन ट्रैक ट्राई करना है। आपके कुछ टाइम पहले हेडशॉट नहीं लगेंगे, लेकिन आप जब ये ट्राई करोगे तो धीरे धीरे आपके वन टैप हेडशॉट लगना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, आज की वीडियो आपको जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, अगर आप सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो जरूर से आपके ओपी वाले वन टैप हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे एंड साथ ही साथ में आप लाइक एक हैकर की तरह खेलना स्टार्ट कर दोगे। तो आप लोगों को आज के वीडियो कैसा लगा मेरे को तो जरूर से बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।